वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग देख रहे हैं कि मैथ की डेली बाय डेली क्लास हो रही है आप लोग, ठीक है। सीधे सीधे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको पूरी मैथ खत्म करा दूंगा। अभी 18 दिन बचे, उसके पहले ही खत्म करा दूँ। कमी दिखे कि दो दो वीडियो बना ले, मुझे कोई ऐसा तो है नहीं, मेरा खुद का यार चैनल है, ऐसा तो है नहीं किसी के मैं अंडर में काम करता हूँ, इसीलिए किसी के अंडर में काम करना आज तक पसंद नहीं आया, ठीक है। क्योंकि अपने तरीकों से चीज़ों को चलाने का एक अलग मजा है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पहला नंबर सवाल देखिएगा, इस तरीके का है, साफ साफ दिख रहा है। अंडर रूट a² - b² लग रहा है, a प्लस बी, अब एक में a माइनस बी, सिंपल सा लगे। 40 से 81 तो बाहर कितना आ गया, 9, 41 में से 40 जाएगा तो एक बचेगा, ठीक। दूसरा सवाल समझते हैं, सी प्रैक्टिस चल रही, कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चों वाला काम हो रहा। यहाँ पर देखिए इस सवाल में क्या है, यहाँ पर अंडर रूट लगा है, कितने का होता बताओ, 24 का होगा, 24 इधर लिख लो, ये कितने का है, 343, ठीक है। और ये रहा आपका क्यू, यही तो है, यही तो होगा ना, कि और कुछ होगा बताओ। 25 25 हम कितना हो जाएगा, 625। तो जब ये हो गया, अब आप फंस जाएंगे क्यूब रूट निकालने पर, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। समझना, चीज़ों को समझाना, इकाई के अंक से खेलना सिखाऊंगा, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इतना आप समझ लीजिए, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो अगर जब हम इसको करने बैठेंगे, तो यहाँ पर अगर हमने इसको इस तरीके से बाहर निकाल लिया, तो पता है दिक्कत क्या है, क्यूब ये पूरे में लगा हुआ, इस बात को अच्छे समझे। तो ये यहाँ पर अगर आप निकाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सिंपल सा समझो, ठीक है। सिंपल सा अगर हम लोग समझेंगे, तो अगर आप लोग निकाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मत निकालो, इसको अंदर ही रहने दो, ठीक है। तो अगर आप अंदर भी रहने देंगे तब भी ये बाहर आ जाएगा, देखो किस तरीके से समझाता हूँ भाई। 24 बाहर आ गया, ठीक है, और ये कितने का है, 7 का, तो 24 7 कितना हो जाएगा, 168। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, गुणा करके भी निकालोगे तब भी आ जाएगा। अब इकाई के अंक से क्या देखना था, देखना अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसका हम इकाई के अंक निकालें, कितना आ रहा, 2 आएगा, इकाई का अंक की बात कर रहा हूँ, सिंपल सी, इकाई का अंक केवल 2 आ रहा। तो इन सब ऑप्शन में किसका 2 आएगा, अगर हम क्यूब कर दें, बात को समझ रहे हो, 0 का क्यूब करोगे, 0, 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ जाएगा क्यूब, 8 का जवाब करेंगे, ठीक है, 64 8 चौको 32, 2 आएगा इकाई का अंक, और यहाँ पर आएगा 3, बस ऑप्शन टिक कर दिया, आंसर। मैंने गुणा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा सवाल लगाया और आंसर आ चुका है आपके सामने, ठीक है। 3 की घात पूछ रहा 5 का मान, 3 की घात 5 का पूछ रहा, तुम्हें ऑप्शन दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। इकाई के अंक देख लो, 3 3 9 देखो, इकाई के अंक से यार खेलना सीख जाओ, मजा आ जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ, जूनियर के पेपर में बहुत मजा आएगी। देखो 3 3 9 9 23 27 7 7 3 21 1 कितना आएगा, 3, ठीक है, 3 आ रहा है इकाई के अंक, आ रहा है या नहीं मुझे बताओ, किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, गुणा करोगे टाइम लगेगा। ये तो छोटा सा सवाल है, कल को मैंने आपसे पूछा 7 की पावर 5 का मान बताओ, तब भी आप इकाई के अंक से लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात ये समझो। अब 6 6 36 2 116, तो सिंपल सा सवाल है, जहाँ पर दिख गया वहाँ पर टिक, ये तो आपको 15 तक याद होनी चाहिए, ठीक है, अब दशमलव का कोई काम ही नहीं है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर, 4 की पावर क्या लिखा हुआ है, -3, -3 ही है कि क्या, गुणा में घाते जुड़ते हैं तो सीधा सीधा हो गया, तो गुणा जोड़ दो, 6 3 कितना हो गया, 3, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 4 चौको 16 चौको, आंसर आ गया। अभी ये सिंपल है, आगे अच्छे खासे सवाल मिलेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अब ये देखिएगा, पहले इधर से हल किया जाता, हमेशा पहले वीडियो में भी बता रखा है, कितना आ जाएगा, 7, यहाँ से 7 आया, ये कितना हो गया, 1 7 1 8 8 2 के भाई, क्यूब लगा हुआ अंडर रूट, तो आंसर आ जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखो, ये है, ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 बटे 7 बराबर x बटे 7, से इसको काट दो, 7 चौक, गुणा करके मत काटने बैठ जाने, यहीं से यहीं उड़ाया करो, कैलकुलेशन जितनी आसान करो उतना कम फंसोगे मैथ में, नहीं तो फिर बनाते रहो टिपिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अगला अगर हम लोग सवाल देखें, सबसे छोटी घन प्राकृतिक, लो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा, तो भाई खत्म हो गया, नेचुरल नंबर 1 से इन्फाइनेट तक होते हैं, सबसे छोटा यही होगा। अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर, 92 61 का घनमूल पूछ दिया आपको, मैंने बोल दिया कि 30 तक घनमूल
याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है देखो किस तरीके से स्कोर लगाएंगे। आपको नहीं याद, सपोज दैट ये नहीं याद, इकाई का अंक मैंने बोला चाहे रंग छत्तीस का, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा छः, इसका एक, इसका नौ नवा इक्यासी और नौ इकाई का अंक, ठीक है, इसका एक। अब दो का एक आया और यहाँ पर भी एक, अब तुम इसके नियरेस्ट अस्सी का निकाल दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन से बाहर, इसलिए ये आंसर हो गया। अगर नहीं याद है पहली बात तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर पावर विषम है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, चार चौको सोलह चौको आंसर, ठीक है। इकाई गंग से खेलना मेरे दोस्त, सीख जाओ, मजा आ जाएगी। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या है, पचम पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस खत्म। वह कौन सी संख्या जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल छत्तीस हो जाएगा, छः है वो संख्या, छः को उसी संख्या से, छः इंटू छः, ठीक। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या जो पूर्ण वर्ग है, हमेशा याद रखना 9801, चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग, कितने को होती पता, बताओ कितने को होगी, सोच के बताओ। ये सब याद होने चाहिए, इतनी आसानी से चीजें होती हैं कि बिल्कुल याद होनी चाहिए। कितने का होगा बताओ, सिंपल सा यार, 99 का स्क्वायर होता है 9801, करके भी देख सकते हैं, 99 आंसर निकल आएगा। अब अगर इसका कुछ तरीका अगर आप देखना चाहें तो हाँ, इकाई का अंक भी देख सकते हैं भाई। देखो पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी, मैंने इकाई का अंक बताया, दो नहीं होगा, कभी होगा नहीं होगा, आठ होगा नहीं होगा, सात होगा नहीं होगा, अब यही होगा खत्म बात, इससे भी आप देख सकते थे, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर, वर्गमूल दशमलव के चार स्थानों तक, वर्गमूल दशमलव के चार स्थानों तक मान बताइए, सभी में चार स्थान पर ही लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इन जैसे सवालों करने। क्या इसने कहा है दशमलव के चार स्थान तक, तो भाई इसमें देखो तीन, एक दो तीन, तीन ऑप्शंस, ऑप्शन कितने गंदे रखे हैं, इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीन तीन छः एक सात, तीन तीन छः एक सात एक आठ, तो ये कितना हो जाएगा, सात जीरो आ जाएंगे, इसका अंडर रूट आप जब निकालेंगे तो बड़ा आसानी से यार मान आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। अब ये है कितने का ये जानना है तो आपको क्या करना होगा बताइए, कुछ नहीं करना होगा, देखिएगा सभी में तीन तीन लिखा हुआ, ये तो बाहर हो जाएगा, नहीं ये भी, इसमें भी इकाई का अंक तीन आएगा, तरीका एक तो बता ही दिया, इससे बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहें देखो किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, इसके नियरेस्ट पहुँचो, ठीक है, इसके नियरेस्ट वैल्यू निकालो। अब हमें निकालने के लिए आप 250 का क्या करो, वर्गमूल निकाल लो, तो 25 25 आप मेरे भाई कितना हो जाएगा, 625, इतना हो जाएगा या नहीं, आप मुझे बताओ, 25 25 आम 625, तो इतना आ गया, इससे कुछ कम, देखो ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये बड़ी है, दोनों बड़ी हैं या नहीं। अब बचा ये, अब बाद में कि यहाँ से इसको हटाओगे तो उसका जब भाई, इसका जब आप अंडर रूट लेंगे, ठीक है, तो इसका कितने आएंगे, चार आएंगे, अर्थात ये है ना, दशमलव से तो अलग हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, समझ गए हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अब बताओ इस सवाल में क्या, अंडर रूट एक्स 1.5 × 60, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसका कर दो इसमें 16 5 80, 8 8 6 14, 200, चले अंडर रूट एक्स बराबर इतना आ गया, तो जब दोनों पक्षों का वर्क करोगे तो 24 24 हम कितना होता मेरे भाई, 576, बस देख लो कहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल से सवाल है, डरने की ज़रूरत नहीं है कोई। अब देखो यहाँ पर 5 आ रहा है क्या, 8 9 3, आंसर मैं नहीं लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लगाओ तो लगाओ। यहाँ पर देखो ये भी बाहर, अरे इससे क्या लेना दे, भाग विधि से कहे चाहे किसी से भी कहे, हमें निकालना है वर्गमूल निकालना है, हम भाग विधि से नहीं लगाएंगे, अपनी विधि से लगाएंगे, ऑप्शनल पेपर है ये, तो सब बेवकूफ़ी है। अब देखो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई, 2200 ये या ये, ठीक है, अब इसमें आप फंस जाओगे दोनों में, तो 5 का जो फार्मूला होता है, 5 का जो वर्गमूल निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 5 का जो वर्गमूल निकालने का तरीका है, मान लीजिए कोई संख्या है 25, ठीक है, तो इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर और इस वाली संख्या में इससे एक बढ़ के गुणा, अर्थात 2 है तो 2 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 3 इंटू 2 625। और मैं समझा दूँ, जैसे मान लेता हूँ आपके सामने आता है
पचपन, कुछ भी आ जाए यार, 55 है। इस संख्या का वर्ग 25, ये 5 है, इससे एक संख्या बढ़ा के गुणा, 5 × 6 = 56 = 30, 25। ठीक है, समझ रहे हो ना चीज़ों को। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कहाँ गया, ये लिखा हुआ इतनी बड़ी संख्या, अरे ये दो ही तो बचे, 2185 है। तो अगर आप करना चाहें, या देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, 2185 या 2295, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। 2295 में अगर हम 5 और दे दें 2300 हो जाएगा, 2300 का वर्ग कितना होगा बताओ, 23 का कितना होगा, 529, इतना आ जाएगा, लंबा आ जाएगा। ठीक है, कुछ है? लंबा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आप मुझे बताओ, आएगा। ठीक, अब 2185 समझते हैं ना, इसमें 15 दे दो तो कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, 2200 का कितना होगा, 2200 का 400 = 8400। समझते जाओ एकदम चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, तो जब आपने ये देखा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आए 484। ठीक है, 484 और यहाँ पर कितना है, 529। तो ये बहुत बड़ा है, इससे यहाँ पर 484 इसके करीब होगा या नहीं, तो इससे हमने जोड़ा तो इससे कम ही तो वैल्यू होगी अर्थात ये, समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नहीं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, उससे थोड़ा सा लंबा फंसेगा भाई आपको, वर मतलब एक जोड़ के उसमें गुणा करना पड़ेगा। आप यहाँ से देखो ना, ये संख्या बहुत बड़ी हो गई और इससे छोटी लिखी हुई, ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है तो ये तो हो नहीं सकती, अर्थात ये होगी। इन तरीकों से सवाल बेटा लगाए जाते हैं, ठीक है, समझ लो अप्रोच को समझो। यहाँ पर देखिए बच्चों वाला सवाल है, इसको आप लगा लेना, ये अंडर रूल निकल आएगा, दोनों बच्चों वर्ग लेके लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या याद करो जो पूर्ण वर्ग है, 6 अंकों की है ना, 6 सारी संख्या है 6 अंकों की, सिंपल सा है, सारी संख्याएं आपकी क्या है, 6 अंकों की हैं। अब इस सवाल को लगाने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम 6 अंकों की इस तरीके से निकालो, मैं आपको दिखाऊँ 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, आप मुझे ये बताओ पहले, तो सबसे छोटी संख्या हो गई है ना, यही तो होगी, आप मुझे बताओ यही तो होगी, होगी भाई 501, सबसे छोटी संख्या यही होगी। अगर हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, मुझे आप बस इतना बता दो, इसका अगर हम लोग अंडर रूट लें 6 अंकों का वर्गमूल का तो कितना आएगा। ठीक है, तो आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 316 के आसपास कुछ आएगा, 316 पॉइंट, देखो इसका एग्जैक्ट तो निकलने नहीं वाला, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके नियरेस्ट या तो पहुंचो, इसका आप अंडर रूट लोगे निकल आएगा, ठीक है, रूट 10 आ जाएगा बाहर, और ये जितने हैं ये कितने, दो बाहर आ जाएंगे ये, अर्थात ये इसका हो गया 10 और 10 100√10 हो जाएगा। ठीक है, 100√10 हो जाएगा, अब √10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस तरीके से ये लगेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका मान कुछ आएगा 316 के समथिंग, 316 के आसपास। या तो आप पता क्या करो, 300 का वर्ग कितना होगा बताओ, 3 × 9 है ना, 4, और जब ये बढ़ेगा तभी तो 5 बनाएगा भाई, 9000 आ गया, 300 समथिंग है। तो इस तरीके से नियरेस्ट पहुंच जाओ तो वहां से हल कर दो, तब भी सवाल आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, नियरेस्ट के तरीके से सवाल बड़ा आसानी से आ जाएगा, आप टेंशन ना ले। तो इसमें 317 का वर्गमूल साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इस सवाल को, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, उसके बाद इरेज इस सवाल को लगाइए, 20 नंबर सवाल को, सवालों में कुछ है नहीं समझे, अप्रोच से लगाए करो हमेशा। ये है 9/2, इस तरीके से लिख लो आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है, इसमें बताओ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर देखोगे तो तुम इस वाले सवाल में इसको तो लगा ही लोगे यार, 2 की पावर n = 64 की पावर, तो अब इसको भी तोड़ दो, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, तो 2 की पावर 6 अर्थात 12 हो जाएगा या नहीं, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12, सिंपल सा सवाल है यार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका सवाल है, अच्छा सवाल है, समझने की
कोशिश करना। इन्होंने दिया है अंडर रूट 4 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक, याद करो। ठीक है, तो इसको अगर हम वैसे ही लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? तो आप बोलेंगे यस सर हो जाएगा। तो ऊपर का तो मान आ जाएगा 2/√5, यही तो आ जाएगा। नहीं, रूट दस 2/√10, इतना ही तो आएगा भाई। ये तो बाहर आ जाएगा, नीचे वाला नहीं हटेगा। अब ऊपर नीचे अगर हम रूट से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 यहाँ 5, तब देखें कुछ बात बन रही क्या, करते हैं क्या दिक्कत है। तो 2√10/10, इससे इसको काट दो 5, तो √10/5 आ गया। अब √10 की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालनी होगी, √10 की वैल्यू निकालनी होगी, तब ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा कि √10 की, ठीक है, इसको हल करने का तरीका, इसको आप लगाइएगा। ठीक है, इसको आप अपने अप्रोच से लगाइएगा। अंडर रूट 2 की तो वैल्यू हम लोगों को पता ही है 1.414। ठीक है, लेकिन √5 की वैल्यू 2 × 2 = अप्रोक्स में ये आंसर निकल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। चलिए आप इसको प्रयास करिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में इस सवाल को जरूर बता देंगे। आप कमेंट जरूर कर देंगे सर एक सवाल छूट गया है, जरूर बताऊंगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल, टेंशन ना लें, ये ना सोचे कि छोड़ दिया यार। ठीक है, तो वो पढ़ के तो पढ़ाता नहीं, सीधे आया प्रैक्टिस सेट उठाया आपको बता दिया। अब ये जो सवाल लिखा 2361 में छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, इसके जो ऑप्शन लिखे हैं यही गलत लिखे हैं, यहाँ पर लिखी होगी संख्या वह छोटी छोटी। ठीक है, तभी तो ये बन पाएगा सवाल, सवाल ही गलत है। ठीक है, 1.5625 का वर्गमूल क्या होगा, ये देखो बच्चों वाला सवाल है, 5 इकाई का होगा या नहीं, आप मुझे बताओ होगा या नहीं। अब यहाँ पर इस सवाल को उसी 5 के रूल से हम लोग लगा लेंगे, देखो किस तरीके, जैसे 105 लिखा हो दशमलव भूल जाओ, दशमलव को इसका कितना हो जाएगा 25, और 10 × 11 अर्थात 110, इतना आ जाएगा। अगला देखो 125 है, यहाँ काम कर जाएगा, देखो हर एक छोटी छोटी चीज काम करती, 25 13 12, देखो 13 12 हम कितना होगा 13 × 12 बढ़ते 36 3 12 3 15, बस देखो आंसर आ गया, अर्थात 125 इज द राइट आंसर। क्या होता है पहली संख्या का वर्ग, ये देखो वर्ग, और इससे एक बड़ी, 12 से बड़ी कौन सी होगी 13, 13 × 12 वो यहाँ पर लिख दो, बस सिंपल सा यार कॉन्सेप्ट है, डरने की जरूरत नहीं है, है ना, निकल आया कि नहीं बताओ। यहाँ पर काम कर दिया, तो हर एक अप्रोच को मेरी पकड़ते चलो, कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलो, देखो फिर मजा, ना मजा आए तो पैसा वापस। ठीक है, 8000 घनमूल बता क्या है यार, वो छोटी छोटी याद कर, यदि 675 में गुणा कर दिया, गुणनफल अपने हिसाब से देख लो 675 है, इसके जब आप फैक्टर करेंगे जिससे ना कटे उससे गुणा कर देना, समझ रहे हो ना, सिंपल सा तरीका, कोई इशू नहीं आने वाला, इतने आप मूर्ख भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिंपल से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि नीचे जो है 30 बनेगा, यहाँ पर नहीं, इसको बाहर कर दो, 30 से ये घट जाएगा, देखते देखते जाओ कैसे हटा रहा हूँ, ऑप्शन को समझना, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर एक है, ओहो यहाँ पर मतलब माइनस ही लगा, एक नहीं है, ओहो तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो -7 भाई 343 कितना होता 7, और इसका कितना होगा 30 -7/30, दैट इज द राइट आंसर। ये बताओ 5 × 7 अर्थात 35, अलग अलग ब्रेक कर लो, गुणा करके मत निकालना नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, इस सवाल में देखिएगा, ये सवाल के ऑप्शन ही गलत, बताऊं क्यों, देखो मुझे कैसे देखा, इकाई अंक देखो 3 × 9 = 27, 1 × 7 आएगा इकाई अंक, 8 × 8 = 64, 2 आएगा इकाई अंक, इसका कितना आएगा 4 आएगा, अब बताओ इसका कितना आ रहा है 1, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं, तो ये सवाल गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 3.1, 31 का क्यूब। ठीक है, इकाई अंक देखिए कैसे खेलते हैं हम लोग, इकाई अंक फिर देख लो, ये 4 है, 2 × 4 = 8, ये बाहर, 8 × 64 = 500 हटाओ, इसको बिटाओ 1 आ जाएगा ये आंसर, ऐसे लगाए जाते हैं, देख रहे हो कैसे, मतलब सवाल अलग कैसे रहे, ऐसे ही सवाल आएंगे, कोई अलग थोड़ी ना आएंगे। ठीक है, ये देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, हाँ तो इसमें क्या है, देखो 3 भाई 6 लिखा हुआ, 0.6 का मतलब 10 उतना 6 3/5, 3/5 हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगी 3/5, 1/5 का मतलब हो गया इसका अंडर रूट 0.0001,
32 और ये हो गया 5, ठीक है। इसको जब बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 0.2, 0.2 आ जाए, 2 2 4 2 8 16 2 32 5, और ये देखिएगा 3 2 5, ठीक है। तो 0.2 आ जाए, अब रिस्का रहेगा क्यों, सिंपल, 2 2 4 2 8, तो ये 10 का भी हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा सी नंबर आपका, इसका आंसर आ। सिंपल से तरीके से लगाओ, कभी फंसोगे नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। अप्रोच सही होनी चाहिए। अब ये बताओ, 8 8 64 5 12, ये हटाओ ये हटाओ, 3 अंक के बाद लगेगा अर्थात 1000 आएगा ना, 10। भाई ऐसे सवालों को अगर आप फंस रहे हो तो 8/10 कर लो यार, तब भी तो उतना आएगा, 512/1000, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिएगा, अब इसमें बताओ, इकाई का अंक फिर कर दो, 3 3 9 27 कहीं है, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पूछ रहा पूर्ण घन बताओ, ये हटाओ ये हटाओ, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा, दशमलव नहीं जाएगा, दशमलव रहेगा। अब बचे 2 3 3 9 27, इकाई का अंक 7, इसका 3, अर्थात ये आंसर 7, खत्म। ये भागक विधि के चक्कर में ना पढ़ो, अपने ऑप्शन से लगाना है, 3 3 9 27 का इकाई का अंक 3 6 4 6 6 तो 6 इकाई का, ठीक है। 2 2 4 2 8, इसका इकाई का अंक 2, अर्थात हमारा आंसर ये, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आज के 35 सवाल थे जिसमें आपने इकाई के अंक के खेल को समझा। एक क्वेश्चन जरूर मैंने छोड़ा, वो आपके लिए भी छोड़ा, किस तरीके से किस अप्रोच से लगाएंगे उसकी मैं कोई नई अप्रोच ढूंढता हूँ जिससे √5 का मान निकालना पड़े। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो, जुड़े रहिएगा मैं तो जिसके साथ। अगला जो टॉपिक रहेगा अलजेब्रा उठा रहा हूँ, अलजेब्रा आपको जितने ये द्विघात त्रिघात जितने आप जिस भी तरीके से लगाते हो मेरे तरीके से लगाओगे, कुछ लोगों को मेरा मेथड अभी समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं इतना समझ रहा हूँ। अगर आप लोग बेसिक मेथड पढ़ें, कहीं कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता मेरी अप्रोच आप पकड़ पाए, लेकिन धीरे धीरे जब मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगा, अभी समय यार कम है, इस वजह से केवल मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैं तो रियल के साथ।